गुड मॉर्निंग, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम महाबलेश्वर में आपको सबसे अच्छा होटल कौन सा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप महाबलेश्वर आते हैं तो आपको अच्छा एक ऑप्शन मिलने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये महाबलेश्वर का बस स्टैंड है और इधर से बसें अंदर आती हैं और बाहर निकलती हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। इधर से क्रॉस करके हमें इधर चलना है। ये सामने मेन मार्केट है, मेन मार्केट में हमें आगे बढ़ना है। आप मेरे को फॉलो करेंगे तो आप आराम से होटल तक पहुँच सकते हैं। ये सामने मेन मार्केट का रास्ता है, इसी में हमें आगे चलना है। आगे चौक तक हम चलेंगे। बस स्टैंड से हमने तकरीबन 150-200 मीटर चलने के बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक है और ये यहाँ का व्यू है। अभी हम इस रास्ते से आए हैं, ये जो सामने से आ रहा है, यहाँ से बस स्टैंड सिर्फ 150-200 मीटर के फासले पे है। अभी हमें इस चौक से ये सीधा इधर मार्केट को जाता है और हमें इधर नीचे की तरफ चलना है। आप देख लीजिए लोकेशन, सीधा हमें इधर नीचे चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है और यहाँ एक मंदिर है। हम इस रास्ते से आए हैं चल के और हमें इसमें सीधा आगे चलना है। इसी में लास्ट में ये अपने आप लेफ्ट में रोड घूम जाता है, हमें वहाँ तक चलना है। जैसे लास्ट तक पहुँचते हैं तो ये यहाँ से रोड अपने आप लेफ्ट में घूम जाता है, हमें इसमें आगे चलना है। ये हमारा यहाँ पर होटल है, आइए आगे चलते हैं। अभी हम इधर से उतर के आए हैं सामने से और हमें इधर अभी आगे बढ़ना है। ये लास्ट गली है, आप ये देख लें। आइए आगे चलते हैं। श्री कृपा, ये हमारा होटल है। यहाँ से चल के आए हैं, ये बस स्टैंड से ये पूरा जो रास्ता है तकरीबन 450-450 मीटर का ही है और ये हमारा होटल है। आइए मैं मैनेजमेंट किसी से आपको बात करवा देता हूँ। तो आइए अभी मैं आपको होटल के मैनेजमेंट से स्टाफ से मिला देता हूँ। भैया आपका नाम बताएं। सागर। सागर जी, ओके। तो ये होटल का नाम जैसे आपका है श्री कृपा, कितने कमरे हैं इसमें? 8 कमरे हैं। 8 कमरे हैं, एसी नॉन एसी क्या है? नॉन एसी। पूरे नॉन एसी का जरूरत नहीं लेना लगता मामले से, एसी का यहाँ जरूरत ही नहीं है। ओके ओके ओके। तो क्या 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 रेट में, क्या रेंज का होटल आपका है? हमारा सीजनेबल रेट रहता है। हाँ, मिनिमम 400 रुपये, मिनिमम 400 से शुरू हो जाता है। ओके। और सीजन में 2000-3000 तक जाता है वो, और सीजन के हिसाब से होता है। सीजन के हिसाब से। ओके ओके। उसके साथ में और जैसे वाईफाई भी है, होगा यहाँ पर वाईफाई है? होटल है, वाईफाई है, मार्केट में है, मार्केट के अंदर मेन मार्केट के अंदर। ये अच्छी बात है, सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल है, बिल्कुल यहाँ से सब पॉइंट नजदीक है। जी जी, बिल्कुल सही है। जैसे ये आपने ये टूर और इसका भी दिख रखा है यहाँ पर, तो ये टूर का भी है। टूर नंबर 1 है। ओके, नंबर 2। ओके ओके। लोकल महाबलेश्वर टूर है। ओके। उसके बाद पंचगनी जी, प्रतापगढ़ और वाई दर्शन, उसके बाद मिनी कश्मीर तापुला, उधर वाटर स्पोर्ट है सर, कोयला डैम। ओके ओके। तो ये पूरा आपके पास ये भी ऑप्शन है, कोई लेना चाहे तो ये कर सकता है? कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ये मेरा 106 नंबर रूम है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी स्पेस है रूम में, काफ़ी बड़ा रूम है। ये देखेंगे तो ये डबल बेड है, ये मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे। इधर खिड़की है, क्योंकि यहाँ महाबलेश्वर में एसी की जरूरत नहीं होती है, ठंडा ही मौसम रहता है, इसलिए यहाँ एसी की तो व्यवस्था नहीं होती है, ज़्यादातर होटल में नहीं है ऐसा। ये रूम है अपना, जिसमें जैसे एक टेबल है,
एक आपका ये दिया हुआ है और अंदर ही वॉश बेसिन है, और मैं आपको ये अटैच वॉशरूम है, लाइट है, सब है, साफ सफाई है, अच्छा है, एक अच्छा होटल, अच्छा रूम हमें यहाँ पर मिला। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई महाबलेश्वर आता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको कुछ फ़ायदा हो सके यहाँ रुकने का, रहने का। और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।